वेलकम गाइस टू रेस्पॉन्डेंट टेक, मेरा नाम है ऋषभ और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोनी के होम थिएटर सिस्टम की 5.1 सराउंड साउंड डॉल्बी डिजिटल से सर्टिफाइड HT S20R के बारे में। इस वीडियो में उसके बारे में जान लेंगे क्या क्या खूबियां हैं उसके अंदर, और ये आपको होम थिएटर 15,000 रुपये के आसपास मिल जाएगा, 14,990 के आसपास, कहीं पर भी ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी सेम प्राइस रहता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मैं इसके बेसिक फीचर्स के साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ। इसकी टोटल आउटपुट ऑफ साउंड है 400 वॉट्स और ये 5.1 सराउंड साउंड सपोर्ट करता है और उसी के साथ ये डॉल्बी से सर्टिफाइड है, तो आपके पास बहुत ही अच्छा साउंड एक्सपीरियंस आने वाला है इसके साथ। तो आपको इसके अंदर क्या क्या मिलता है ये बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आपको सबसे पहले मिलता है एक सब वूफर जो कि मेन यूनिट की तरह एक्ट करेगा, बाकी सारे कंपोनेंट्स इसके अंदर आके जुड़ेंगे और जो आउटपुट होगा और इनपुट होगा वो भी सब इसी के अंदर आके जुड़ेगा। तो यहाँ पर ये आपका सब वूफर हो गया है मेन। उसके बाद यहाँ पर आता है साउंड बार जिसके अंदर 3 स्पीकर्स हैं, 1, 2 सेंटर, लेफ्ट एंड राइट। उसके बाद आपको 2 स्पीकर्स अलग मिलते हैं, लेफ्ट एंड राइट मार्क्ड हैं जो कि। तो यहाँ पर ये बन जाता है 5.1 सिस्टम इस तरीके से। 3 स्पीकर्स यहाँ पे हमें साउंड बार में मिल जाते हैं, 2 अलग स्पीकर्स और जो 0.1 है वो आपका मेन सब वूफर मेन यूनिट जो हो जाती है। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ इसकी कनेक्टिविटी की, जो कि बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा वर्सेटाइल है आज के टाइम में। आज के टाइम में HDMI ARC का बहुत ज़्यादा यूज़ है और बहुत अच्छी ऑडियो निकाल के देता है HDMI ARC विदाउट एनी कंप्रेशन वगैरह कि कोई भी एल्गोरिदम नहीं लगेगी HDMI ARC वाले में, और आपको बहुत अच्छी क्वालिटी सुनने को मिलेगी। तो अगर आपके पास एक टीवी है जिसमें HDMI ARC कंपैटिबल है जो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा उसी के साथ इसको यूज़ करें तो आपको बहुत अच्छा साउंड आउटपुट मिलने वाला है। उसी के साथ यहाँ पे आप 3.5mm जैक का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास कोई ओल्ड टीवी है या फिर आप अपने फ़ोन से ही कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप HDMI ARC को छोड़कर 3.5mm जैक यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पर अगर आपके पास और भी कोई पुराना टीवी है या फिर कोई टीवी है जो HDMI ARC सपोर्ट नहीं करता लेकिन ऑप्टिकल ऑडियो सपोर्ट करता है, तो वो भी कनेक्ट हो जाएगा इसके अंदर, तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं है, जो कि काफ़ी तीन चीज़ें हैं लेकिन काफ़ी अच्छी हैं। उसके साथ नेक्स्ट सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे, वो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का सपोर्ट। अगर आपका टीवी ब्लूटूथ आउटपुट भी सपोर्ट करता है तो आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस से आप कनेक्ट कीजिए और म्यूज़िक आराम से चलेगा इस डिवाइस के अंदर। तो यहाँ पर एक मैं ऑडियो सैंपल लगा रहा हूँ उसका, लेकिन ये ओरिजिनलिटी को बिल्कुल भी शो नहीं करेगा। तो मैं आपको एक और बात सजेस्ट करूँगा कि आप हेडफोन लगा के सुने तो थोड़ा बेटर रिजल्ट आएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि जैसा आउटपुट आपको दिखेगा वैसा असलियत में फील नहीं होगा, असलियत में काफ़ी डिफरेंट होता है। आप मेरे माइक्रोफोन से आपके स्पीकर से आएगा तो काफ़ी अंतर हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने इसको क्लिप में लगाया है जो कि आप सुन सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं बात कर रहा हूँ इसकी साउंड क्वालिटी की। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इसकी वॉल्यूम की। तो यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा लाउड हो जाता है 400 वॉट्स के हिसाब से, और जो इसका बेस है बहुत ज़्यादा ही अच्छा और काफ़ी थंपिंग बेस है। तो और अगर आपको लिटरली फील होगा बॉडी में इसका बेस, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बेस इसके अंदर यूज़ किया गया। जो इसका सब वूफर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो उसी के साथ यहाँ मैं बात करता हूँ मिड टोन्स की, जो कि हमारे ह्यूमंस की वॉइस होती है, वो अगर मैं बात करूँ तो वो भी काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प और क्लियर है, और अगर आप कंपेयर करते किसी भी टेलीविजन टीवी से, टीवी के स्पीकर सेट से, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा मेरे को ऑडियो आउटपुट लगा इस डिवाइस का। और आपको मूवीज़ वगैरह देखने में भी काफ़ी अच्छे से जो लोग बोलते हैं उनके डायलॉग डिलीवरी वगैरह की सारी आवाज़ें बहुत अच्छे से आने वाली है। और इसके साथ एक बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग फैक्टर इसमें मेरे को ये लगा कि जो इसका हाई एंड है, जो ट्रेबल, जो छनछन वाली आवाज़ें होती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी हैं, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था हैवी, मेरे को लगा था बहुत ज़्यादा बेस हैवी होगा, लेकिन ये सिस्टम हाई एंड भी टच कर लेता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात लगी मेरे को इस डिवाइस के अंदर। तो यहाँ पर कुछ तरीके हैं जिनसे मैंने इसको अपने सेटअप में लगाने की कोशिश करी है।
अब इससे बेटर सेटअप भी कर सकते हैं। और आपको मैं सजेस्ट करूंगा, आपको प्रॉपर 5.1 सराउंड साउंड चाहिए तो उसके लिए आपको प्रॉपरली सेटअप करना होगा इसको। आपकी मेन यूनिट सामने, लेफ्ट स्पीकर लेफ्ट में, राइट स्पीकर राइट में, आगे पीछे पीछे भी लगा सकते हैं आप, तो उससे आपको एक सराउंड साउंड का इफेक्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप सामने लगा देंगे बिल्कुल तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पता चलेगा साउंड का, लेकिन आप जैसे ही इसको चारों तरफ में लगा लेते हैं तो काफ़ी अच्छी आपको सराउंड साउंड का इफेक्ट सुनने को मिलेगा और आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील भी होगा। आपको कहीं कहीं पे कुछ कुछ जगहों पर अगर आपका आउटपुट क्वालिटी बहुत अच्छा आ रहा है तो आपको ऐसा भी लग सकता है कि आप एक थिएटर में बैठ के मूवी देख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि अपना पर्पस फुलफिल करता है ये होम थिएटर वाला। तो यहाँ पे जो इसके स्पीकर्स हैं उस पर सेपरेटली मेंशन है लेफ्ट या राइट कौन सा है, और जो केबल्स हैं वो भी अलग अलग तरीके से मार्क्ड हैं, अलग कलर से अलग, और आपको कोई सेटअप करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। प्लग एंड प्ले वाला हिसाब है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक बहुत ईजी है ये, तो आप सिर्फ प्लग एंड प्ले कीजिए और बिल्कुल चालू हो जाएगा ये। और इसके साथ यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ इसमें टच कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत अच्छा एडिशन है। यहाँ पे आपको ऑन पावर ऑन का बटन मिलता है, ब्लूटूथ का बटन मिलता है, पॉज प्ले का मिलता है, वॉल्यूम अप डाउन का बटन, इसमें टच कंट्रोल ऊपर ही मिल जाता है। इसका जो रिमोट है उसमें हमें काफ़ी सारे फीचर मिलते हैं, पावर बटन तो मिलता ही है, उसके साथ यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट मोड्स मिलते हैं, स्टैंडर्ड मोड, म्यूजिक मोड, सिनेमा मोड, नाइट मोड भी मिलता है हमें यहाँ पे, जिसका यूज़ करके आप रात में कम वॉल्यूम पे भी काफ़ी क्रिस्प आवाज़ सुन सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है रातों में भी। आप अगर आप वॉल्यूम भी कम करते हैं तो आपको सुनने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। और उसके साथ यहाँ पे सिनेमा मोड भी है, जो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। सराउंड साउंड का ऑफिशियल अगर आप यूज़ करना चाहते हो सिनेमा मोड में क्लिक इन कीजिए और बहुत अच्छा ऑडियो इफेक्ट आपको सुनने को मिलेगा। उसके साथ यहाँ पे आप बेस कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे बेस के लेवल्स हैं 12 और वॉल्यूम आपकी जाती है 100 तक, तो वो कंट्रोल्स भी आपको इसी रिमोट पे मिल जाते हैं। और ब्लूटूथ इनपुट चेंज करने का बटन भी इसी रिमोट पे मिल जाता है आपको, और बाकी जो मेन्यूज़ वगैरह हैं वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं इसी रिमोट के साथ। अब मैं लास्ट में बात करता हूँ इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो जिससे मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हुआ हूँ। अगर आप कोई लुकआउट कर रहे हैं किसी भी होम थिएटर सिस्टम की और 20,000 से नीचे आपको कोई बहुत अच्छा होम थिएटर सिस्टम मिल जाए तो वो सोनी का H2S20R ही होगा। काफ़ी अच्छा सिस्टम लगा मेरे को और काफ़ी लोगों की नीड्स पूरी कर सकता है ये, और मैं काफ़ी ज़्यादा लोगों को सजेस्ट कर सकता हूँ अगर वो होम थिएटर सर्च कर रहे हैं तो उसके लिए आप H2S20R के साथ बिल्कुल जा सकते हैं। तो इतना था कि इस वीडियो के लिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे कमेंट्स करके बताइए आपके क्या थॉट्स हैं इस डिवाइस पे, या फिर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट्स करके बताइए, मैं आपके क्वेश्चंस जरूर पढ़ूंगा और उनके आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।